तर्क ज्ञान की चाबी है। जो लोग ये कहते हैं ईश्वर तर्क के परे हैं, वो लोग बड़े ही धूर्त हैं। विश्व में कोई भी चीज़ तर्क के परे नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वो लोग अपनी सड़ी गली, डकियानूसी और मूर्खतापूर्ण बातों को सही ठहराना चाहते हैं और उन पर पर्दा डालना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भय होता है अगर लोग सोचने लगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। ऐसे लोगों को भय होता है अगर लोग तर्क करने लगे तो हमारी बकवासों को कौन सुनेगा। ऐसे लोगों को भय होता है अगर लोग तर्क करने लगे तो हमारा पेट कैसे पलेगा। ऐसे लोगों को भय होता है कि अगर लोग तर्क करने लगे तो हमारा सदियों से चला आ रहा शासन कैसे बचेगा। ऐसे लोगों को हर संभव प्रयास होता है कि लोग मूर्ख ही बने रहें ताकि उनका और उनकी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ऐसे लोग इस तरह की बात करके अपने लिए सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं ताकि कभी उन पर कोई सामूहिक संकट आए तो ऐसे मूर्ख लोगों का समूह ईश्वर के नाम पर उनके लिए ढाल का काम कर सके और अगर जन धन की हानि हो तो उनको ये मूर्ख लोग झेलें और वो सुरक्षित रहकर अपना व्यापार चलाते रहें। इसलिए ऐसे धोखेबाज लोगों से बचें और हर चीज़ पर तर्क करना सीखें। तर्क ही वो चाबी है जो सत्य और असत्य का ताला खोलती है। तर्क से ही अज्ञानता का अंधेरा खत्म होता है और ज्ञान का सवेरा होता है।